हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन लक्ष क्लासेस एंड टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द दून एंड एड्ज इफेक्ट एंड एड्स इफेक्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ इकोलॉजी इन यूजी एंड पीजी जी इट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सी एस आई आर नेट अलॉन्ग विथ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सो द फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज इकटोन जिसका नाम से ही इंडिकेट होता है इकटोन्स लिखा है इकटोन्स इक्टोन ही क्या है अगर हम इकटोन की बात बारे में बात करें ट्रांजिशन जोन आर जंक्शन बिटवीन टू आर मोर डाइवर्ज कम्युनिटी। एक टोन के बारे में अगर हम बात करें एक टोन क्या है ट्रांजिशन जोन होते हैं ट्रांज माने होता है चेंज ट्रांजिशनल माने होता है बदलने वाले जोन माने क्षेत्र आर जंक्शन बिटवीन टू आर मोर डाइवर्ज कम्युनिटी। दो अथवा दो से ज्यादा जो विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं वो आपस में जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक जंक्शन बनता है उसको हम ट्रांजिशन जोन के नाम से जानते हैं उसे हम जंक्शन के नाम से जानते हैं और इसी को कहते हैं इकटोन सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट एकटोन इज ए ट्रांजिशन जोन एक टोन एक ट्रांजिशन जोन होता है अथवा हम कहते हैं जंक्शन। दैट इज़ फाउंड बिटवीन टू आर मोर डाइवर्ज कम्युनिटी कम्युनिटीज़ इस तरह से ट्रांजिशन जोन अथवा जंक्शन जो होता है जो कि दो अथवा दो से अधिक विविध समुदाय के बीच पाया जाता है तो दो समुदाय के बीच अथवा दो से ज़्यादा डाइवर्स माने होता है डाइवर डाइवर्स डाइवर्सिटी से बना है डाइवर्सिटी माने होता है विविधता तो दो अथवा दो से ज़्यादा विविध समुदायों के बीच पाए जाने वाले जो क्षेत्र होते हैं दो अथवा दो से अधिक समुदाय के बीच पाए जाने वाले जो क्षेत्र होते हैं जिनको हम ट्रांजिशन जोन के नाम से जानते हैं अथवा जिनको हम दोनों के बीच के जंक्शन के नाम से जानते हैं उसी को कहते हैं एक टोन सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट एक टोन इज द रीजन एक टोन इज द ट्रांजिशनल जोन और दैट इज द जंक्शन बिटवीन टू आर मोर डाइवर्स कम्युनिटीज एक टोन शोज एक टोनल कम्युनिटी जो एक टोन होते हैं एक टोनल कम्युनिटी को शो करते हैं यानी एक टोन जो होते हैं वहाँ पर एक टोनल समुदाय पाए जाते हैं जैसे दो विविध समुदाय हैं तो दोनों के बीच का क्षेत्र जो होता है वो एक टोन होता है तो एक टोन पे एक टोनल कम्युनिटी पाए जाते हैं यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए एक कम्युनिटी ये है ठीक है एक कम्युनिटी ये है एक कम्युनिटी ये है कम्युनिटी बी ए कम्युनिटी और बी कम्युनिटी के बीच में देखिए रेड लाइन खींची है इतना दूर इसको कहते हैं जंक्शनल जोन और ट्रांजिशन जोन तो जंक्शनल जोन और ट्रांजिशन जोन इसी को एक टोन कहते हैं एकदम समझ लीजिए एकदम मान लीजिए ये कम्युनिटी ये क्या है ये कम्युनिटी ये है जो है मायरीन वाटर की है ये कम्युनिटी किसकी है टेरिस्टियल लैंड की है मायरीन तो वाटर में अदर ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे बहुत सारे जली जीव पाएंगे और यहाँ पर भी जो है टेरेस्ट्रियल स्थल है लैंड की कम्युनिटी है ये जो है मैरीन वाटर की कम्युनिटी है ये जो है लैंड पे रहने वाले आर्गनिज़म की कम्युनिटी है दोनों बीच दोनों के बीच में जो जंक्शन पाया जाता है यहाँ पर मैंग्रूव प्लांट्स पाए जाते हैं जैसे भी आप समुद्र में जाइए तो जब आप लैंड से सी में जाएंगे तो एक एकाएक डायरेक्ट नहीं जाएंगे समुद्र के किनारे जहाँ पर दलदल होती है वहाँ पर मैंग्रूवस प्लांट पाए जाते हैं तो मैंग्रोव प्लांट्स क्या है दैट इज द जंक्शनल जोन आर ट्रांजिशनल जोन दैट इज फाउंड बिटवीन द टू डाइवर्ज कम्युनिटी सपोर्ट दैट द कम्युनिटी कंटेनिंग द टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी और द ऑर्गेनिज्म हुई आर फाउंड ऑन द लैंड एंड इन द वी देर इज द प्रेजेंस ऑफ मायरीन वाटर कम्युनिटी आर द ऑर्गेनिज्म हुई इज फाउंड इन द मायरीन वाटर सो बिटवीन दीज टू कम्युनिटी देर इज अ ट्रांजिशन एरिया दैट इज आर यू कैन सी जंक्शन ला ट्रांजिशन जोन आगे बढ़ते हैं तो समझ में आ गया होगा कि दो दो विविध समुदायों के बीच जो जो जंक्शन होता है अथवा जो ट्रांजिशन होता है उसी को एक टोन के नाम से जाना जाता है अब देखिए टोन इज द ट्रांजिशन एरिया बहुत अच्छे से समझाया गया है एक टोन है क्या टोन इज ए ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोमास। एक टोन जो होती है एक ट्रांजिशन एरिया होती है जो दो दो बायोमास के बीच पाई जाती है बायो रिफर्स टू तो द लिविंग ऑर्गेनिजम एंड मॉस मींस समूह मॉस मींस संख्या तो एक टोन क्या है एक ट्रांजिशन एरिया है जो दो बायोमास के बीच पाई जाती है इट इज टू तो कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेट टोन क्या है इट इज यह इट इज माने यह माने, माने जहाँ पर यह वह क्षेत्र होता है जहाँ पर दो समुदाय आपस में मिलते हैं एंड इंटीग्रेट माने होता है एकीकृत एक होते हैं इट में भी नैरो सकरी हो सकती है और वाइड माने चौड़ी हो सकती है एंड इट में भी लोकल और यह आसपास हो सकती है लोकल का मतलब होता है द जोन बिटवीन ए फील्ड ऑफ फॉरेस्ट आर रिजाइनल वह क्षेत्र जो किसी जंगल के मैदान में पाया जाता है वह क्षेत्र जो किसी जंगल के बीच के बीच में पाया जाता है रिजाइनल माने क्षेत्रीय हो सकता है द ट्रांजिशन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम जैसे टोन क्या है टोन ट्रांजिशन जोन है एक टोन क्या है एक जंक्शनल जोन है जो किसी फॉरेस्ट और ग्रास लैंड के बीच पाया जाता है मान लीजिए ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है भी क्या है ग्रॉसलैंड इको है एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बीच का जो जोन है इसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं इसी को जंक्शन कहते हैं इसी को एकटोन कहते हैं ठीक है आई लिखा है आई एन एक्टोन मे अपीयर्स ऑन द ग्राउंड एज ए ग्रेजुअल ब्लेंडिंग ऑफ टू तो कम्युनिटीज आई एन एक्टोन मे अपीयर्स ऑन द ग्राउंड जो एक्टोन होते हैं वो ग्राउंड माने जमीन पर प्रकट होते हैं दिखा दिखाई पड़ते हैं कैसे दिखाई पड़ते हैं जो भी एक होते हैं वो किसी ग्राउंड पर अपीयर होते हैं दिखाई पड़ते हैं एज ए ग्रेजुअल ब्लेंडिंग ग्रेजुअल माने क्रमशः ब्लेंडिंग माने होता है मिलना ऑफ़ द टू कम्यूनिटीज जहाँ पर दो समुदाय आपस में मिलते हैं वहीं पर ये दिखाई पड़ते हैं ए क्रॉस ए ब्रॉड एरिया ब्रॉड एरिया क्रॉस ए ब्रॉड एरिया मैंने बहुत दूर के क्षेत्र में आर इट मे बी मैनिफेस्ट यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं इट माने स्वयं शार्प बाउंड्री लाइन जहाँ पर एक सीमा रेखा के किनारे जो होते हैं ये स्वयं ही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जैसे मान लीजिए दो कम्युनिटी के बाउंड्री लाइन है तो उसके बीच की सीमा रेखा के बीच स्वयं ही एक टोन जो होते हैं वो प्रदर्शित होते हैं आगे है एग्जाम्पल एक टोन की एग्जाम्पल आप दिस इज मैंग्रोव फॉरेस्ट एक बेस्ट एग्जाम्पल है मैंग्रोव्स के जो जंगल होते हैं रिप्रेजेंट एंड एकटोन बिटवीन द मायराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मैंग्रोव्स के जो फॉरेस्ट होते हैं वह इकटोन प्रदर्शित करते हैं मायरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच मैंग्रोव्स के जो फॉरेस्ट होते हैं प्रदर्शित करते हैं इक्टोन मायरीन वाटर के और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में जो अदर एग्जाम्पल होते हैं ग्रास लैंड के किसके बीच पाए जाते हैं फॉरेस्ट एंड डिजर्ट के बीच पाए जाते हैं कुल मिला करके जो एक टोन है जैसे मैंने पहले बताया ना द आपज़ाम्पल ऑफ आप दिस इज मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है एक एक टोन का बेस्ट एग्जाम्पल है मैकटून फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं मैंग्रोव्स मैरीन और टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम के बीच में क्योंकि समुद्र का पानी मैरीन होता है और टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम जो होता है लैंड वाला होता है दोनों के बीच में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एक्टोन अदर एग्जाम्पल जो ग्रास लैंड के हैं अदर एग्जाम्पल जो एकटोन के हैं वो ग्रास लैंड और फॉरेस्ट के बीच ग्रास लैंड अदर एग्जाम्पल ऑफ ग्रास लैंड बिटवीन फॉरेस्ट एंड डिजर्ट इकोसिस्टम तो फॉरेस्ट और डिजर्ट के बीच जो होती है जो ग्रास लैंड पाया जाता है जो घास का मैदान पाया जाता है दैट इज ऑल्सो ए ट्रांजिशन जो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टोन तो फॉरेस्ट मानी वन के क्षेत्र में फॉरेस्ट कम्युनिटी और डिजर्ट कम्युनिटी के बीच में ग्रास लैंड कम्युनिटी पाई जाती है ग्रास लैंड जो बीच में पाई जाती है दैट एक टोन इसके बाद इस है इस क्या होता है बिटवीन फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर जहाँ पर जैसे मान लीजिए समुद्र का पानी है साल्ट वाटर है वहाँ पर जाकर नदियाँ खुलती हैं तो जब नदियाँ ले पानी लेके जाती हैं तो नदी का पानी जो है वो फ्रेश वाटर होता है जैसे ही नदी का पानी समुद्र में गिरता है तो साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर जो है उनका संगम होता है उनका मिलना होता है उनके बीच में भी एक ट्रांजिशन जोन बनता है कहते हैं एक टोन उसको इस कहते हैं इस क्या है दैट इज एक टोन एरिया दैट इज द एक टोन रीजन दैट इज फाउंड बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर एंड रिवर बैंक लैंड दलदली जो जमीन होती है बिटवीन ड्राई एंड बेट जैसे कोई जमीन सूखी है कोई जो है गीली है तो सूखी और गीली के बीच का जो क्षेत्र है वो कहते हैं एक टोन आगे है नेक्स्ट जोन ऑफ ट्रांजिशन इट है कंडीशन जैसा कि ट्रांजिशन जोन होता है इसमें दशाएँ पाई जाती हैं इंटरमीडिएट टू द एडजस्टेंट इकोसिस्टम इसमें जो भी दशाएं होती हैं जो एडजस्टेंट इकोसिस्टम होते हैं उनके बीच में पाई जाती हैंट इज ए जोन ऑफ टेंोन ऑफ टेंशन के नाम से जानते हैं बेल डेवलप्ड इकटोन कॉन्टीन समर्गेजम विच आर इंटायरली डिफरेंट फ्राम दिसनिंग कम्युनिटी जो बेल डेवलप्डोन होते हैं उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं वहाँ के आसपास पाए जाने वाले कम्युनिटी के कम्युनिटी वहाँ की जो संबंधित कम्युनिटी होती है उससे वो डिफरेंट होते हैं अब आगे है आगे एडज इफेक्ट क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है एड्ज इफेक्ट क्या होता है इनिकोलाजी एड्स इफेक्ट रिफर्स टू द चेंज इन द पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर द बाउंड्री ऑफ टू है अभी मैंने देख स्टडी किया अभी आप लोगों ने स्टडी किया यू हैव टू स्टडी दैट एक टोन द ट्रांजिशन जोन एक टोन द ट्रांजिशन एरिया एक टोन इज द जंक्शनल जोन दैट इज फाउंड बिटवीन द टू डाइवर्स कम्युनिटी तो हमने बताया कि टोन वह क्षेत्र होता है जहाँ दो डाइवर्स कम्युनिटी के बीच पाया जाता है इकोलॉजी में एक, एक, एक एड इफेक्ट क्या है इकोलॉजी में एड इफेक्ट का मतलब होता है रिफर्स टू द इन पॉपुलेशन अगर किसी पॉपुलेशन में बदलाव हो रहा है चेंज इन द पॉपुलेशन किसी जनसंख्या में बदलाव हो रहा है और कम्युनिटी स्ट्रक्चर अथवा किसी समुदाय की संरचना में बदलाव हो रहा है टक्कर्स तो एट द बाउंड्री ऑफ टू है तो कुल मिलाकर के अंतर्गत किसी पॉपुलेशन में होने वाला बदलाव किसी जनसंख्या में होने वाला बदलाव अथवा किसी समुदाय की संरचना में होने वाला बदलाव जो कि दैट माने जो कि अकर्ष माने पाया जाता है एट द बाउंड्री ऑफ टू हैट जो दो वासस्थल के बीच पाए जाने वाले सीमा रेखा के बीच पाया जाता है यानी जो भी जो भी पॉपुलेशन में बदलाव हो रहा है जो कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है वो दो पापुलेशंस जो भी बदलाव हो रहा है वो दो हैबिटाट यानी दो कम्युनिटी के बीच जो बाउंड्री है जो कम्युनिटी के बीच जो ट्रांजिशन जोन है दो कम्युनिटी के बीच जो जंक्शनल जोन है उन्हीं के अंदर पाए जाने वाले पॉपुलेशन में बदलाव होता है उन्हीं के अंदर पाए जाने वाले कम्युनिटी में जो है स्ट्रक्चर चेंज होता है कुल तो मिला करके दक्कर साइड द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटाट का मतलब क्या है दो हैबिटाट का मतलब जैसे मान लीजिए दो कम्युनिटी हैं उनके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है एक टोन है तो एक टोन के अंदर जो पॉपुलेशन आएगी उसमें बदलाव आएगा सम टाइम द नंबर ऑफ स्पेसीज एंड पापुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पेसीज इन द एक टोन इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द कम्युनिटी इसी कहते हैं एडज इफेक्ट कभी कभी क्या होती है जो नंबर ऑफ स्पीज होती है कभी कभी क्या होता है जो प्रजातियों की संख्या होती है अथवा जो पापुलेशन डेंसिटी होती है जनसंख्या घनत्व होता है कुछ प्रजातियों की इन द एक टोन मानी एक टोन के अंदर कभी कभी नंबर ऑफ स्पीज अथवा जो पापुलेशन डेंसिटी होती है जो जनसंख्या घनत होता है ऑफ आप समीज इन इन द एक टोन जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है जो कहाँ पाई जाती है कुछ प्रजातियों की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है जो एक टोन के अंदर पाई जाती है उनका जनसंख्या घनत्व और उनकी जो नंबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसकी तुलना में देन आइदर कम्युनिटी जो उसके आसपास कम्युनिटी होती है उसकी तुलना में ज़्यादा होती है जैसे मान लीजिए इनका साफ कहना यह है कभी कभी एकटोन रीजन में एकटोन रीजन क्या है जो ट्रांजिशन जोन है एक टोन क्या है जंक्शनल जोन है दो समुदाय के बीच दो कम्युनिटी के बीच जो एकटोन रीजन पाया जाता है उस एक एक्टोन रीजन की जो नंबर ऑफ एस्पेसीज होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अब उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो किसकी वजह से होती है दिस इज़ ड्यू टू द एड इफेक्ट क्योंकि वो दो जो समुदाय के बीच बाउंड पे पाए जाते हैं तो दो समुदाय के बीच पाए जाएंगे तो जो आर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पर रहेंगे वो चाहे जिस समुदाय में चले जाएँ चाहे ए में चले जाएँ चाहे बी में चले जाएँ इसलिए ट्रांजिशन जोनस पर आर्गेनिजम की संख्या इंक्रीज़ हो जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है दैट इज़ नोन एज एडज इफेक्ट द आर्गेनिज्म हुई चक्कर प्राइमरली आर मोस्ट एबंडेंटली इन द जोन इज कॉल्ड एडजस्पेज ऐसी आर्गेनिज्म जो कि प्राइमरली मैंने प्राथमिक रूप से अथवा बहुत मोस्ट एबंडेंटली मैंने ज़्यादा प्रचुर प्रचुर रूप से इस क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको एडजस्पेसीज के नाम से जाना जाता है द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम स्थलीय परितंत्र में एड्ज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू द वर्ल्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो एड्ज इफेक्ट होता है वो विशेषकर के पक्षियों के लिए अप्लीकेबल होता है पक्षियों के लिए जो है ये प्रयोग किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल डेंसिटी ऑफ द बर्ड एग्जाम्पल है देखिए देखिएफेक्ट का एक ही मतलब है कि जैसे दो डाइवर्स कम्युनिटी के बीच जो एरिया होती है इसको एक टोन कहते हैं दो डाइवर्स कम्युनिटी के बीच तो एकटोन पाया जाता है तो ए, ए, जो एक जो एक्टोन रीजन होता है उसमें स्पेसीज की संख्या बढ़ जाती है स्पेशीज डेंसिटी बढ़ जाती है वो क्यों बढ़ जाती है क्योंकि ये दो विविध समुदाय के बीच के क्षेत्र में पाए जाते हैं उसी को एड इफेक्ट कहते हैं डेंसिटी ऑफ बर्ड इज ग्रेटर इन द इंडा मिक्सड हैबिटा टफ़ एकटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डिजर्ट अब जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट कम्युनिटी है जंगल का समुदाय है या डिजर्ट कम्युनिटी है तो फॉरेस्ट और डिजर्ट कम्युनिटी के बीच ट्रांजिशन जोन होगा उनके बीच क्या होगा जंक्शनल जोन होगा अब कोई पक्षी जो है फॉरेस्ट में जाए या डिजर्ट में जाए तो उससे बेटर है कि वो एकटोन एक जोन में रहेगी एकटोन जोन में रहने से ट्रांजिशन जोन में जब जब चाहे वो फॉरेस्ट जोन में चली जाएगी और जब चाहे वो डिजर्ट जोन में चली जाएगी तो तो फॉरेस्ट और डिजर्ट जोन के बीच जो क्षेत्र है उसी को एकटोन कहते हैं तो उसी एक टोन में रहेगी बर्ड्स तो वहाँ की संख्या ज़्यादा हो जाएगी द डेंसिटी ऑफ वर्ड इज ग्रेटर इन द एक मिक्सड हैबिटाट ऑफ द एकटोन इस तरह से जो डेंसिटी ऑफ वर्ड्स होती है जो पक्षियों की डेंसिटी ऑफ वर्ड्स का मतलब है पक्षियों का जो घनत्व तो है वो ग्रेटर माने ज़्यादा हो जाता है किसमें मिक्सड हैबिटाट माने मिश्रित सम मिश्रित वासा स्थल में किस किसकीटोन की, किस की? एकटोन एक का मिश्रित वासा स्थल क्या है क्योंकि एक तरफ फॉरेस्ट है एक तरफ क्या है डिजर्ट है तो दोनों मिक्स हो गए तो मिक्सड हैबिटाट बन गया टोन बन गया बीच के ट्रांजिशन जोन में एक टोन बन गया तो एक टोन में बर्ड्स की जो डेंसिटी है वो क्या होगी ज़्यादा होगी दैट इज द बिटवीन द फॉरेस्ट एंड डिजर्ट कुल मिला करके फॉरेस्ट और डिजर्ट फॉरेस्ट एक, एक समुदाय अलग है डिजर्ट एक समुदाय अलग है दो डाइवर्स कम्युनिटी हो गई दोनों जब आपस में मिलेगी तो बीच में एक टोन क्षेत्र बनेगा तो एक टोन क्षेत्र में बर्ड्स की पॉपुलेशन इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये मिक्स्ड हैबिटेट है दिस इज ड्यू टू द एड् इफेक्ट सो दैट्स ऑल अबाउट द एक टोन एंड एड्ज इफेक्ट ये पूरा एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है कि एड्ज इफेक्ट के कारण जो होती है पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो जाते हैं तो, है है, है? so well. तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक टोन क्या है एड्स इफेक्ट क्या है हैंज टू टॉपिक्स दे हैव वेरी वेल तो इस चैनल्स को लाइक करते रहिएगा सब्सक्राइब करते रहिएगा थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग वीडियो इस चैनल पर बने रहिएगा हमेशा आपको नए नए टॉपिक्स मिलती रहेंगे थैंक्स टू यू ऑफिंग द वीडियो थैंक यू